सागर शहर में सबसे कम रेट पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना सिद्धार्थ बिल्डर्स और पीएस ग्रुप के साथ। पता याद रखें, होटल सागर सरोज, धर्मश्री चौराहा, बालाजी मंदिर रोड, सागर, मध्य प्रदेश। क्या कोई महिला अपने शौहर पर इतने गंभीर आरोप लगा सकती है? आरोप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। महिला का कहना है कि उसके पति की अपनी ही सगी बहन से नाजायज संबंध है। इतना ही नहीं, उसका पति दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित करता है। यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसे आरोपों के बीच रो रो कर इस महिला ने अपनी व्यथा सुनाई है। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज और भोपाल को लेकर जुड़ा है, जहां फरीन नाम की महिला, जो भोपाल में अपने मायके से आकर सागर पुलिस कप्तान को एक लिखित शिकायत करती है, वो भी पति के खिलाफ, जिसमें उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके पति की उसकी ही सगी बहन से नाजायज संबंध है। हमारे पति के साथ हमारे जो हुआ है, हमारे साथ दुर्घटना की है, उन लोगों ने वो शिकायत लेके आए हैं। महिला थाने में भोपाल में आवेदन दिया है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ये लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं और पैसों की मांग करते हैं, और इनकी इनके बहन के साथ नाजायज संबंध। कहाँ शादी हुई है आपकी? गोपालगंज में, झंडा चौक, सागर। कौन है ये आपके पति? मुश्ताक खान। पूरा मामला यही है कि ये लोग मारपीट करते हैं, मायके नहीं जाने देते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और इनकी इनके बहन के साथ नाजायज संबंध है। साथ है अपनी सगी बहन के साथ विरोध किया था मैंने, तो इन लोगों ने मारपीट की मेरे साथ, और जेठ जेठानी को बताया तो उन लोगों ने भी मारपीट की मेरे साथ, और कहा अब कभी विरोध करोगी तो अपने मायके चले जाओ, मुझसे गलती हो गई शादी करके। कि आपके साथ मारपीट? चार लोगों ने। इसके लिए भी प्रताड़ित करते हैं कि अपनी माँ से 4-व्हीलर लेकर आ, 2 लाख रुपए लेकर आ। मेरा एक बच्चा है और 1 साल से मैं अपने मायके में हूँ। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। टूटे मकबरे थाना हनुमानगंज की रहने वाली फरहीन खान की शादी कुछ साल पहले सागर के गोपालगंज निवासी मुश्ताक खान से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो ठीक चला, लेकिन फिर मुश्ताक, जेठ अशफाक, जिठानी रुखसार और नंद तबस्सुम ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। 2 लाख रुपए और 1 4-व्हीलर गाड़ी की ये लोग डिमांड करने लगे, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मैंने जब अपनी पति को उनकी ही सगी बहन के साथ असली अवस्था में देखा तो मन व्यथित हो गया, और तकाजा किया तो विवाद बढ़ा और मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं अब अपने मायके भोपाल में रह रही हूँ, मेरी माँ मजदूरी करके मुझे पाल रही है, मुश्ताक और मुझसे एक लड़का भी है जो मेरे पास है। इस महिला ने रो रो कर यह कहानी सुनाई है, इसमें सच क्या है पुलिस पड़ताल कर रही है। महिला ने जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन दिया है, आवेदन के अध्ययन से जो उसका मजमून है वो ये पाया जा रहा है कि उसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो उसको दहेज की मांग करने को लेकर मारपीट करने संबंधी आवेदन दिया है। उक्त आवेदन की विधिवत जांच होगी और जांच के उपरांत उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस्लाम धर्म में खून के रिश्ते से बचकर संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन फरहीन ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और भाई बहन के रिश्तों को कलंकित और तार तार करते हैं। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस महिला की आंख से निकले आंसुओं से इस पर एतवार करने का भी जी चाह रहा है। दहेज लोभियों की वजह से कल भी हमारा समाज बदनाम था और आज भी बदस्तूर यही हालत है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब बनाएं अपने सपनों का आशियाना, वो भी सागर शहर में सबसे कम रेट और उचित दाम पर, सिद्धार्थ बिल्डर्स और पीएस ग्रुप के साथ। आधुनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एवं अन्य निर्माण कार्य में मटेरियल के उचित दामों पर। हमारा पता है होटल सागर सरोज, धर्मश्री चौराहा, बालाजी मंदिर रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8833975198964852196। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।